काफ़ी अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं आ चुका हूँ फाइनली एक और जर्नी लेके आप लोगों के लिए, और आज की जो अपनी जर्नी है वो होने जा रही है 11842 गीता जयंती एक्सप्रेस, जो कुरुक्षेत्र से खजुराहो के बीच में चलती है। एक्सप्रेस ट्रेन है, मेल टाइप की ट्रेन है, इसमें आज हम जर्नी करेंगे। तो चलते हैं फटाफट पहले रेलवे स्टेशन पे, है ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद जर्नी आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जर्नी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, तो बड़ी मुश्किल से ये अवेलेबल हुई है। इसके बाद हाँ, अब चिंता मत करो, उसके बाद बैक टू बैक जर्नी आने वाली है कुछ दिनों तक, तो उसके बाद भी आती रहेंगी आप सभी का सपोर्ट रहा तो, ठीक है। चलो चलते स्टेशन पर, उसके बाद आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मैं अभी पानीपत रेलवे स्टेशन पर तो आ चुका हूँ। कुछ ऐसा दिखता है अपना पानीपत का रेलवे स्टेशन। और अगर मैं बात करूँ आज की, तो अपनी ट्रेन है 14, एक मिनट बैठ जाता फिर आपसे बात करता हूँ। बात करूँ आज की जो अपनी ट्रेन है 11842, ये दोस्तों जो है चलते है वो कुरुक्षेत्र से 3:10 पर चलते है, आपको अगले दिन सुबह सुबह पहुँचाते है 8 खजुराहो जंक्शन, ठीक है। और टोटल जो है 842 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है ये, लगभग 16:50 के साथ है इस जर्नी को कंप्लीट करती है। टोटल 25 होल्ट के साथ है इस जर्नी को कंप्लीट करती है। और इसकी जो इस रूट पे एवरेज स्पीड रहने वाली है वो है 110, और जो मैक्स है वो रहने वाली है 49, क्योंकि जो रूट है वो 130 का, बट जो ट्रेन है वो ICF रैक के साथ चलती है, तो इसलिए 110 किलोमीटर से ही चलेगी। और बाकी बात करें जो ट्रेन है अपने रैक्स को किसी के साथ शेयर नहीं करती है, इसके डेडिकेटेड रैक्स हैं, जो एक यहाँ कुरुक्षेत्र से जाती है और दूसरी वहाँ खाजवाली से। अटवानी ट्रेन है ये, 2016 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। काफ़ी डिमांडेबल ट्रेन है ये, जो गीता जयंती एक्सप्रेस है, ठीक है। तो चलिए अब इससे मिलते हैं जब ये आती है तब। इसका यहाँ पे अराइवल टाइम है 4, और इस ट्रेन को आज मैं बोर्ड कर रहा हूँ पानीपत रेलवे स्टेशन से, जो इसका चौथा हॉल्ट रहने वाला है। लगभग 67 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ तक कवर कर लेगी, ठीक है। बाद बाकी आते हैं तब आपसे मिलते हैं। दोस्तों इधर आ चुकी है जन शताब्दी, और कुछ ही देर में अपनी भी आने वाली है बस। झांसी का वेब 4 इसमें लगा है गाइस। टोटल ये 5 कोच इसमें जनरल के आगे हैं और 5 ही इसमें पीछे भी है। गाइस में अगर कोच कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें तो इसमें 10 लगे हैं जनरल के, और एक लगा है फर्स्ट एसी का, एक लगा है सेकंड एसी के, 3 लगे हैं थर्ड एसी के, 5 लगा है इसमें स्लीपर कोच, और 2 SLR है। और बैक 4 के साथ इस ट्रेन को ले जाया जाता है पूरा खाजुराहो तक। खाजुराहो अपना स्टेशन दिखता संभाल का। टोटल 84 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने ट्रेन ने कवर कर लिया, और आ चुके अपने 4th स्टेशन पर। यहाँ दोस्तों इसका 4th हॉल्ट है पानीपत 3rd हॉल्ट। बस 2 का हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन संभाल का फोन कर चुकी है। दोस्तों यहाँ पर जो है 3 प्लेटफॉर्म है, और रोजाना पर 40 ट्रेनों का हॉल्ट रहता है। यहाँ से एक भी ट्रेन ओरिजिनल और टर्मिनेट नहीं होती है। ये अपना नॉर्थन रेलवे जोन के दिल्ली डिवीजन में अपना स्टेशन पड़ता है। मैं नीचे नहीं उतरा, मैं क्या उतरूँ,
यहाँ पे एक मिनट ही रुकी है उससे ज़्यादा, हालांकि दो मिनट का स्टॉप था पर एक मिनट में यहाँ से चल पड़ी। भीड़ थी, भीड़ में से बच के निकलता फिर कुछ बोल पाता नहीं, सुनने नहीं सोच रहा नहीं, मैं चलो यहीं से आपको दिखा देता हूँ उसका दुकान। अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर एक पर लिया था, ये मेन नहीं पता, बट अभी टेक्निकल हॉल्ट 5 नंबर का इसका टेक्निकल हॉल्ट है स्टेशन पर। गाइस यहाँ से इसने डिपार्ट ले लिया है, मात्र 30 सेकंड से भी कम का समय यहाँ पे रुकी है बस। यहाँ पे कोई चढ़ता ही नहीं गया, टेक्निकल हॉल्ट है केवल, जो सिर्फ और सिर्फ 5 नवंबर तक रहेगा, उसके बाद देखो ताकि हटाया जाता है रोड वाला भी नाम है स्टेशन जो ब्लू कलर के काफ़ी अच्छे लगते हैं। सत्तर से लगभग 112 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें ट्रेन ने कवर कर लिया और आ चुके अपने 6th स्टॉप पर जो अपना करनाल, जिसका स्टेशन कोड है सोनीपत, जिसका स्टेशन कोड SNP। यहाँ पर हमारे ट्रेन में मात्र 2 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है।
बादली में। दिल्ली एरिया यहाँ पर आपको बाहर ज़्यादा ना निकाले तो ही बेहतर है। उसने थोड़ा बहुत बाहर निकाल रहा हूँ पूरे ध्यान के साथ इस एरिया में वो देखी मेट्रो। जो रूट जा रहा है वो दिल्ली के उनके जो यहाँ पे अलग होता है का डिस्टेंस हमने ट्रेन कवर कर लिया। और आज के अपने सिक्स्थ स्टॉप पर जो अपना सब्जी मंडी डिस्कशन कोड SZ भी, और यहाँ पर इसका मात्र यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ सब्जी मंडी पर 2 प्लेटफॉर्म लगाने पर 60 से ज़्यादा ट्रेनों का हॉल्ट रहता है। यहाँ से एक भी ट्रेन अर्जेंट टर्मिनल नहीं होती। इसके बाद अपना जो है नई दिल्ली आएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अब यहाँ पर आता हूँ फ़ोन को बिल्कुल भी बाहर नहीं लगाना। ठीक है, चलो चलते हैं पहुँच में वापस। ठीक है, जो रूट है अपना ये रेवाड़ी वाला रूट है जो हमसे अलग है, थोड़ा सा आके यहाँ पर मिल रहा था हमसे। उसने यहाँ पर फोन ज़्यादा बाहर ना निकाले तो मैं भी ज़्यादा नहीं निकालूंगा फोन। गाइस ये जा रही 14:00 जो तिलक ब्रिज से चिट्टा के बीच में चलते हैं। मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा, आप देखना चाहो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे एक बात, चोरों से सावधान जरूर रहो। फोन बताना चोर आते रहते हैं। बस आने वाला है, आ गया।
फ्रेंड्स अपनी ट्रेन जो है दिल्ली आ चुकी है और मैंने इस ट्रेन को यहीं से डिबोर्ड कर दिया क्योंकि मुझे आगे नहीं जाना है, यहाँ से एक और जर्नी है वो मैं करूँगा। कई दिन से जर्नी नहीं थी, मैंने कहा इसको कवर कर लेते हैं। काफ़ी बढ़िया रहा इस ट्रेन में सफर, ट्रेन जर्नी कैसी लगी? मैंने इसको इसमें कवर किया, मुझे ठीक ठाक है, इसमें बढ़िया है। 10 कोच जो इसमें जनरल के हैं, आप इसमें बता सकते हैं। कल सुबह 8 बजे जाके खजुराहो में टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं यहीं पर एंड, आपसे मिलता हूँ। एक और नई यात्रा के लिए अपना ध्यान रखें।